सलाम वालेकुम भाई, पहले ही बोलता हूँ मैं आज तक मैक पे बोला नहीं, मेरे को आता नहीं, लेकिन जो भी होगी गलती तो माफ करना, ठीक है। जी बी न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों आप देख सकते हो तस्वीरों के अंदर चंदन की जो स्मगलिंग की जा रही थी इसको रोका गया एलसीबी टीम ने। जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, एलसीबी टीम ने चंदन की स्मगलिंग को रोका गया। इसकी कुल कीमत जो थी 1,87,00,000 की कीमत थी चंदन की लकड़ियों की। और इसमें जो अरेस्ट होने वाले जो है एक फार्म हाउस पर जो है दो लोगों को अरेस्ट किया गया है, और चीता कैम्प से अकबर हुसैन उर्फ राजू इनको भी अरेस्ट किया गया इस मामले में। आप देख सकते हो पूरी तस्वीरों में ये डिटेल्स है, और ये जो सोर्स इस न्यूज़ का जो बनाया गया है वो द हिंदू न्यूज़पेपर और चीता कैम अप टू डेट FB पेज। आप पूरी जानकारी जो है इस न्यूज़ पे देख सकते हो, पूरी डिटेल्स आपको। सलाम वालेकुम भाई, पहले ही बोलता हूँ मैं आज तक मैक पे बोला नहीं, मेरे को आता नहीं, लेकिन जो भी होगी गलती तो माफ करना, ठीक है। इंशाल्लाह करने वाला ही आला है, बोलने वाला नहीं आला है। जो बोल रहा हूँ आज रिकॉर्ड कर लो, जो बोल रहा हूँ आज रिकॉर्ड कर लो, नहीं करूंगा तो मेरे पास आना, घर और ऑफिस दोनों पे मिलूंगा, हर फोन मेरा मैं खुद उठाता हूँ। आज जिधर भी जाता हूँ, 40 साल हो गए मैं इधर पैदा हुआ बड़ा हुआ, 40 साल हो गए, माँ बहन लोग मेरे सिर्फ गटर में पानी बोलते, दूसरी कोई बात ही नहीं करता। हारू या जीतू वो चीज खत्म कर दूंगा, रिकॉर्ड करो खत्म कर दूंगा। ये जो मेरे बारे में कोई भी कुछ भी बोल के जाता है, मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कितना भी कुछ बोलेगा तो मेरे को कोई फर्क नहीं। मैं करने वाला हूँ, याद रखो, करने वाला हूँ। अगर मैं उनके बारे में कुछ बोल दूंगा, अगर मैं उनके बारे में कुछ बोल दूंगा तो वो हो जाएगा, ध्यान रखना। इंशाल्लाह मेरे को मेरे खाली मसाइल मेरे गांव के चाहिए, जो मेरे गांव का दोस्त हो मेरा दोस्त, जो मेरे गांव का दुश्मन हो मेरा दुश्मन। मेरे को मेरे गांव के बच्चे लोग, जो भी बड़े बच्चे लोग हैं उन लोग के लिए काम वाला चाहिए, उनके लिए काम पे लगाने वाला चाहिए। मैं नहीं आता, मेरे पास आओ। जो मेरी माँ बहन इधर से बाहर जाती है काम के लिए, वो मेरे पास आओ, मैं काम पे लगाऊंगा, यहाँ से बाहर जाने नहीं दूंगा। मेरा वो प्रोग्राम है, वो मिशन है। मैं गटर और पानी का पैसा खाने नहीं आया, अल्लाह ने मेरे को दिया उसमें मैं काफी है, मैं मरे तक खा सकता हूँ, इतना दिया है बेशक। और जो बोल के जाते हैं कुछ भी उनसे, क्यों मेरे को कोई तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको जिस दिन भी दूंगा बहुत करारा जवाब दूंगा, करारा जवाब दूंगा इंशाल्लाह। बस इतना ही बोलूंगा कि मैं काम करने के लिए उतरा हूँ, मेरे पास राइटिंग के साथ मेरे ऑफिस तक आओ और मेरे से काम करा के लो। तुम्हारी मुसीबत मांग के ले रहा हूँ, भागूंगा नहीं, मांग के ले रहा हूँ, मेरे से काम करा के लो इंशाल्लाह, ठीक है। ये पानी नहीं जान दो, किसी की बुराई नहीं करने का। ये तो बोलता इंशाल्लाह साथ दो से मांगूंगा, सब चीज पूरा करूंगा, रख से मांगूंगा साथ दो इंशाल्लाह, ये चीज बदल के लाऊंगा। काम करने आओ, काम करवा लो, और भी लोग इंशाल्लाह उनसे बात करो। खुदा हाफिज। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल GEB न्यूज, लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।